एवरीवन, मैं हूं प्रति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन है और नो कॉन्टैक्ट में हैं तो वो आपके बारे में अभी कैसा फील कर रहे हैं और उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, चलिए गाइस रीडिंग को करते हैं शुरू। गाइस पॉजिटिव रहना है रीडिंग में, चाहे जो भी निकल कर आए। ओके, सो जानने की कोशिश करते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में करेंटली कैसा फील कर रहे हैं और उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, ठीक है। सो माय गाइड माय गॉड माय एंजल्स प्लीज डिवाइनली गाइड करें स्पिरिट मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं और उनके करंट एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें स्पिरिट मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो करंटली उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं और उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ओ माय गॉड, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ऑलराइट, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये कार्ड हमारे पास ऐसे थे गाइस, पर पूरे उल्टे नहीं थे इसलिए हम इनको ऐसे ही लेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टावर। ओके रिवर्स, प्लीज बताएं। ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके यूनिवर्स, प्लीज कुछ कार्ड्स और दे दीजिए। ओके, वी हैव टू कार्ड्स हियर गाइस। ऑलराइट, सो वी हैव फोर ऑफ कप्स। ओके, वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स। यस, प्लीज गिव अस टू मोर कार्ड्स, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच। यस, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सो एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो गाइज, यहाँ पर हमारे पास सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप में और आपके पार्टनर में ये गाइज रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। ये बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए रीडिंग निकल कर आई है और इस रीडिंग में ऐसा लगता है कि आप में और आपके पार्टनर में शायद कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और शायद आपका झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप में टावर मोमेंट आ गया। और यहाँ पर गाइस, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि शायद आपने, आपके पार्टनर ने, किसी एक ने किसी दूसरे को यहाँ पर चीट किया है और इतनी बुरी तरह से यहाँ पर चीट किया है कि जब सच्चाई उनके सामने आई है तो यहाँ पर देखिए एनर्जीज ये वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो, पर यहाँ पर जो एनर्जीज पता चलती हैं, यहाँ पर किसी ने किसी को बहुत बहुत बुरी तरह से चीट किया है और इतनी बुरी तरह से चीट किया है कि सामने वाले के दिल पर यहाँ पर बहुत बहुत गहरी चोटें आई हैं और उनको शायद ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उनको यहाँ इस कार्ड को देख के ऐसा लगता है, इस कार्ड को देखकर हमको समझ में आता है कि पीठ में छुरा हो पाए, लेकिन इस इंसान की एक्चुअल फीलिंग्स ऐसी हैं कि शायद इनके दिल में ही किसी ने ये खंजर भोग दिया है, ऐसा यहाँ पर इनकी फीलिंग्स हैं। और गाइज, इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल यहाँ पर आपका रिलेशन था जिस रिलेशन को उन्होंने खो दिया क्योंकि उन्होंने चीटिंग किया या आपने चीटिंग किया, किसी एक ने यहाँ पर दूसरे के साथ में बहुत बुरी तरह से चीट किया है गाइज।
और यहाँ पर पेन और तकलीफ़ इतना ज़्यादा है इस रीडिंग में कि मैं एक्चुअल इस पेन को महसूस कर सकती हूँ, और इसीलिए मैं इतना हैवी हार्ट से आपको बता रही हूँ। यहाँ पर बहुत दुख में है ये इंसान और बहुत ज़्यादा पेन में है ये इंसान, जिनको किसी एक ने यहाँ पर जिसको दूसरे को धोखा दिया है। टावर मोमेंट आया है गाइज, रिलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, और जिसको धोखा मिला है वो ज़्यादा इस रिलेशन के लिए परेशान है आप दोनों में से। और उस इंसान को लगता है कि इतना ब्यूटीफुल रिलेशन था जिसमें सब कुछ था, प्यार था, एक दूसरे के लिए विश्वास था, वो सब कुछ यहाँ पर ध्वस्त हो गया है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यहाँ पर एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा कटु वचन बोले गए हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये इंसान आपको पलट कर देख रहे हैं, या फिर आप इस इंसान को पलट कर देख रहे हैं, क्योंकि आप ये भूल नहीं पा रहे हैं कि आपने इनके साथ में कुछ अच्छे मोमेंट्स भी बिताए हैं। इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी थी गाइस, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में इसलिए था क्योंकि उनको यहाँ पर कुछ उनसे मतलब था। कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, कोई एक इंसान इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा दे रहा था और जो दूसरा इंसान है वो इस रिलेशन में कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे थे, यहाँ तक कि वो बेसिक्स, जो बेसिक्स होते हैं एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, वो बेसिक्स भी यहाँ पर वो पूरे नहीं कर रहे थे। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ? अभी प्रेजेंट के सिचुएशन में जो है, ये जो आपके पर्सन हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अपसेट हैं, और इतने ज़्यादा अपसेट हैं कि वो ना तो अपने प्यार का कप किसी को देना चाहते हैं और ना ही किसी के प्यार का कप रिसीव करते हैं। उनको यहाँ पर ऐसी फीलिंग है कि उनका ये जो रिलेशन था ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशन था शायद, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते थे और ये रिलेशन उन्होंने खो दिया। उनके दिल में कहीं ऐसी फीलिंग भी आती है कि हाफ वे सक्सेस पाने के बाद अचानक से वो नीचे गिर पड़े और रिलेशन पूरा ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्यार की फीलिंग है गाइस, किंग ऑफ कप्स का हमारे पास यहाँ पर कार्ड आया है, वो भी जस्ट बिलो टावर। तो गाइस बहुत ज़्यादा प्यार है इस इंसान के दिल में आपके लिए, बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं आपके लिए, आपको सब कुछ देना चाहते थे, पर यहाँ पर ये फीलिंग आपकी भी हो सकती है एनर्जी गाइस, इरिस्पेक्टिव ऑफ यू नो जेंडर है ये रीडिंग, और ये वैसे वर्षा किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है, यू टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तो यहाँ पर एक जो इंसान है जिसको धोखा मिला है उसके दिल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार है गाइस, और ये जो प्यार है वो अपना प्यार एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, देना भी चाहते हैं, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं यहाँ पर प्यार में, उस चैलेंजेस को फेस करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोगों से आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है ये रिलेशन विश फुलफिलमेंट था इनकी, ये इस रिलेशन को वापस से शुरू करना चाहते हैं गाइस। ऐसा लगता है यहाँ पर कि इन्होंने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जिस इंसान को ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल समझते थे और बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट समझते थे, ऐसा लगता था इनको कि ये इंसान जो है इनकी लाइफ में सब कुछ है और इनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। इस रीडिंग में गाइस बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी के बाद भी प्यार बहुत ज़्यादा नज़र आता है, ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर ये जो एक इंसान है इस प्यार में अभी भी कुछ गुंजाइश देखते हैं और इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी भी कुछ हो सकता है इस प्यार में, शायद अभी भी कुछ उम्मीदें रखे हुए हैं। सो गाइज यही थी आपकी प्यारी सी छोटी सी रीडिंग, अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।